सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो ये भारत ही है जहाँ स्वतंत्रता की परिभाषा इस तरह से दी जाती है कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता मालूम पड़ती है। स्वतंत्रता दिवस के पर सभी को बधाई दी जाती है, परंतु स्वतंत्रता के असली परिभाषा मंतव्य संदेश प्रेषित नहीं हो पाता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि हम अपनी मर्जी से जी सकें, अपने नियम कानून बना सकें, परंतु क्या आप अपने लिए अपने नियम कानून बना रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं? और कितनी अवस्थाओं, कितनी चीज़ों से आप मुक्त हो चुके हैं, कितनों के आप दास हैं, क्या आपको पता है? अंग्रेजों से स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं कहा जा सकता है। अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली तो जनप्रतिनिधियों के स्वतंत्र हो गए, वे मुट्ठी भर के शासक पूरे देश पर 140 करोड़ की जनता पर शासन कर रहे हैं। चुनिंदे 900 आदमी, बल्कि उससे भी कम, 525 और 250, मान लीजिए कि 800 आदमी मान लीजिए, उतने आदमी के द्वारा शासित हो रहा है और स्वतंत्रता दिवस बाकी सभी लोग मना रहे हैं। क्या आप नियम कानून बना सकते हैं अपने लिए? क्या संविधान में संशोधन कर सकते हैं? क्या अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं? तो स्वतंत्रता को हम लोग को बहुत बारीकी से समझना होगा। जब देश का प्रत्येक नागरिक कानून बनाने में भूमिका निभा सकेगा, जब कानून फेरबदल कर सकेगा, जब सभी व्यवस्थाओं पर वह प्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो सकेगा, तभी माना जाएगा कि स्वतंत्र हुआ। जब अधिकारियों को उनके आदेश पर चलना होगा, तब माना जाएगा कि स्वतंत्र हो चुका हूँ, नहीं तो कैसे माना जाएगा? और क्या हम गरीबी से मुक्त हुए हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हुए हैं? नहीं हुए। शोषण से मुक्त हुए हैं? नहीं हुए। अन्याय से मुक्त हुए हैं? नहीं हुए। जजों के खिलाफ में तो कोई बोल भी नहीं सकता, फिर किस बात के स्वतंत्र है? जजों की गलत फैसले के विरुद्ध भी आप नहीं कुछ बोल सकते, वे अपनी नियुक्ति खुद कर लेते हैं।
तो कहाँ स्वतंत्र हैं, उन्हें घूस लेते हुए कोई पकड़ नहीं सकता, तो स्वतंत्र कहाँ हैं, हमें कहाँ न्याय अभी तक मिल पाया है। तो ये सब जो बातें हैं ये ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है, और वैसे भी हम नशे के गुलाम हैं, कई चीज़ों के नशे हैं, क्या हम उससे स्वतंत्र हो पाए। धन का नशा, पद का नशा, ये भी तो नशा है। अपने इंद्रियों के जरिए जो हम सत्ता महसूस करते हैं उसी को अंतिम मानते हैं, तो इस प्रकृति के भी बंधन में बंधे हैं, क्या उससे मुक्त हो पाए। तो अभी मुक्ति तक की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, इतना आसान भी नहीं है। तो राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तरह की यात्रा करनी होगी, हर दिशा में कदम उठाने होंगे, तब जाके हम सपने को स्वतंत्र घोषित कर पाएंगे। क्या अभी हम जाति के बंधन को तोड़ सकते हैं, अभी तक तोड़ नहीं पाए, तो कहाँ से हम स्वतंत्र हो गए। अभी तो बहुत दूरी चलना है, अभी तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, रात को घूम फिर नहीं सकती हैं, उठा ले जाएंगे लोग, तो कैसी स्वतंत्रता है यह। अभी हम स्वतंत्र वास्तव में अभी पूरे नहीं हैं, अभी हमें बहुत लंबा काम करना है। तो जब नेताओं की सत्ता समाप्त हो करके जनता की सत्ता आ जाएगी, उस समय हम कुछ एक कदम लड़ाई में आगे जीत चुके होंगे और हम एक कदम स्वतंत्र हो चुके होंगे। अभी तो नहीं, मात्र अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता समझ बैठे हैं और उसी में खुशी मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। हमें इस विषय पर सोचना होगा। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।